कसरावत का शासकीय महाविद्यालय नगर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं। बच्चों को कॉलेज पहुंचने के लिए या तो बस स्टैंड से पैदल कॉलेज तक जाना होता है या फिर इस रूट पर चलने वाली बसों से मिन्नतें करना पड़ती है कि कई बार बस द्वारा बिठाने से मना करने पर छात्रों को गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम में पैदल कॉलेज तक जाना होता है। कॉलेज के छात्र छात्राओं की उक्त समस्याओं को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुबाई तंवर के पुत्र और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश तंवर और बंटी तंवर द्वारा छात्र छात्राओं को कसरावत से कॉलेज तक आने जाने के लिए ई रिक्शा प्रदान किया गया, जो बिना किसी शुल्क के छात्र छात्राओं को कॉलेज तक पहुँचाएगा। इस अवसर पर राजेश तंवर ने बताया कि हमारा उद्देश्य क्षेत्र में छात्र छात्राओं के अध्ययन में किसी तरह की रुकावट न हो और वह शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर जाएँ और क्षेत्र का विकास करें। कसरावत से खान की रिपोर्ट। बच्चे आगे आ जाओ। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बेटा कॉलेज आने जाने के लिए बसों का इंतजार करते थे, बस वाले बिठाते नहीं थे, बहुत बिठाते थे हमको और हमारे से मतलब पैसे भी ले रहे थे, कभी कभी बस भी रोकते थे, तो हमको बहुत परेशानी होती थी दिनों से आने जाने में। और आज हम बहुत आभारी है मतलब सर का कि आज हम मतलब यहाँ पे हमारे लिए मतलब बस की सुविधा नहीं हो पाई, पर टेम्पो की सुविधा तो कम से कम कर दी, इतनी दूर से हमको आना नहीं पड़ेगा, बहुत सी प्रॉब्लम होती थी इतनी दूर आने जाने में। थैंक यू बहुत। अच्छा ये सुविधा किसने दी है जानते हैं आप? किसने दी ये सुविधा आपको? भैया जो कॉलेज के कुछ बच्चे आए और ई रिक्शा की चाबी आप भेंट कर रहे थे, क्या मनसा है क्या कर? ये हमने विद्यार्थियों को कसरावत से शासकीय कॉलेज तक लाने ले जाने की एक निःशुल्क सुविधा राजेश तंवर और बंटी तंवर की ओर से गिफ्ट किया है, दान दिया है। और हमारे भाई पीयूष जोशी जो जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, इनको हैंड ओवर किया है। ये ई रिक्शा अपने आप में स्टूडेंट को कसरावत से कॉलेज तक लाने ले जाने का निःशुल्क काम करेगा। और मैं सोचता हूँ विद्यार्थी वर्तमान भी है, भविष्य भी है, विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का सहयोग मिले, ताकि वो अपना जीवन निर्माण कर सके और राष्ट्र और प्रदेश का निर्माण कर सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम सब मिलकर विद्यार्थियों को आगे पहुँचाने में भरसक प्रयास करें। यह एक मेरे लिए अभियान है, विद्यार्थियों को सुविधा देना और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना, ये मेरी ज़िंदगी के काम मिशन है, मेरा मकसद है और ये उसकी शुरुआत है। एक नन्ही सी पहल है, मैं इसमें सतत लगा रहूँगा और आने वाले समय में इसको एक विराट स्वरूप भी हम देंगे, ताकि विद्यार्थी हमारे चांद सितारे की ओर बढ़े और अपने जीवन को स्वर्णिम जीवन बनाने में सफल हो। साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, जिनका 3 साल आज पूर्ण हुआ है, काफ़ी शानदार उनका समय रहा, उनका सक्रिय योगदान रहा पार्टी को संगठन को मजबूत करने में, भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में, जिले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं उन्हें भी बहुत शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।